जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी मेरे दोस्त, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड। बहुत हमारे दोस्त लोग जो रनिंग कर रहे हैं वो लोग मिल्क लेते हैं, दूध जो लेते हैं मेरे दोस्त, पूछते हैं कि क्या चीज़ का अच्छा होता है, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे लास्ट तक वीडियो तक आप लोग बने रहिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त देखिए, दो नंबर जो है मिल्क डिटर्जेंट जैसा घातक एक आ रहा है मेरे दोस्त, लिक्विड है, उससे भी दूध बनाया जा रहा है। आप लोग वैसा दूध से बचिए। हम आप लोगों को लाइव करके और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त डिटर्जेंट जो है उसमें एक बूंद डालने के बाद उससे दूध बन जा रहा है। उससे आप लोग एक बूंद से ही आप लोग एक गिलास दूध बना सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, उससे आप लोग दूर रहिए, मिल्क लीजिए, मगर मेरे दोस्त जो आप लोगों के सामने दूध कर दे रहे हैं लोग, उनसे ही लीजिए, नहीं तो आप लोग मत लीजिए। इसलिए कि मेरे दोस्त, डिटर्जेंट जो है उसमें क्या हो रहा है कि एक बूंद देकर उसके बाद उसी को घोलकर पिला दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, उससे क्या होता है कि आप लोगों का जो अंदर का मेरे दोस्त सिस्टम है, आप लोगों का खराब हो जाएगा। जब खराब होने के बाद आप लोगों का जो खाना पीना जो होगा, अनपच होने लगेगा। इसलिए आप लोग उससे दूर रहिए। हम आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा मेरे दोस्त कि जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना परसेंट दूध पाया जा रहा है, कितना परसेंट दूध बनाया जा रहा है। मेरे दोस्त देखिए, जो मिल्क है, मिल्क ज़्यादा है मगर बनाया भी जा रहा है, 50% बनाया ही जा रहा है। डिटर्जेंट नामक जो है मेरे दोस्त, उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही बिक रहा है। अब बहुत दोस्त लोग बोलते हैं कि मिल्क हम इतना लेते हैं कोई फायदा नहीं, उतना लेते हैं कोई फायदा नहीं है। तो मेरे दोस्त, और जो दो नंबर दूध पीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। मिल्क अगर जो दो नंबर आप लोगों को मिलेगा तो कोई उसे फायदा नहीं हो सकता है। चलिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को लास्ट तक वीडियो तक मेरा बने रहिए, हम आप लोगों को बताएंगे और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे मेरे दोस्त कि कौन सा दूध शुद्ध होता है और कौन सा दूध अशुद्ध होता है, कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, कौन सा बढ़िया होता है, कौन अच्छा नहीं होता है। मेरा लास्ट तक वीडियो तक आप लोग बने रहिए और कमेंट कीजिएगा जैसा आप लोगों को वीडियो चाहिए। चलिए हम आप लोग, अगर आप देख रहे हैं तो शायद आप दूध पीना बंद कर देंगे, क्योंकि भरूच के इस वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि देश के रोजाना 50 करोड़ लीटर दूध की जरूरत कैसे पूरी की जा रही है। तो अगर अपनी व अपने घर वालों की जान की सलामती चाहते हैं तो शेयर कीजिए यह वीडियो, पर पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद ही। ये वीडियो भरूच के इंडस्ट्रियल एरिया से लीक हुई है, जहां एक मिलावट करने वाले के खिलाफ नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री के ही एक मजदूर ने बगावत कर दी है, जिसकी वजह से ये क्लिप व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से वायरल हो रहा है। तो किस तरह बनाया जा रहा है ये नकली दूध, गौर से देखिए। इसके हाथ में एक कांच की शीशी है जिसमें कोई चाशनी नुमा केमिकल भरा है। ये शीशी या तो गर्म है या तो इसमें इतना घातक रसायन है कि ये शख्स उसे चिमटे से पकड़े हुए है, सीधे हाथ में ले भी नहीं रहा है। वहीं जैसे ही थोड़ा सा केमिकल गिलास में डाला जाता है, दूसरा व्यक्ति उस शीशी को सावधानी से लेकर हटा दे रहा है। सोचिए कितना खतरनाक केमिकल होगा वह। फिर उसमें पानी मिलाया जाता है और नकली दूध तैयार। ये बात तो कंफर्म है कि देश में 50 करोड़ लीटर से अधिक उपज गायों और भैंसों से तो नहीं होती, और ये वीडियो देख प्रूफ भी हो रहा है कि किस तरह होती है। आज हम आपको असली और नकली दूध में फर्क करने का सीधा और सरल तरीका बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपका दूध इन 5 टेस्ट में पास होना चाहिए। टेस्ट 1, सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघें। अगर उसमें साबुन जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है कि दूध सिंथेटिक है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती है। टेस्ट नंबर 2, असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। टेस्ट नंबर 3, असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। टेस्ट नंबर 4, असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। टेस्ट नंबर 5, दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किसी चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर दूध की 1 या 2 बूंद टपका कर देखिए। अगर दूध बहता हुआ नीचे की तरफ गिरे और सफेद धार से निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चे मेरे दोस्त, हम बताएं
आप लोग देख लिए हैं, जो लाइव प्रूव करके हम दिखाएं आप लोग देख लिए, और जो कोई और कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे दोस्त हमको उस वीडियो कमेंट बॉक्स में जब पूछिए, हम आप लोगों को उस वीडियो जो आप वीडियो मांगिएगा वो वीडियो हम आप लोगों को देंगे। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।